तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कानपुर की सड़कों पर अराजक रूप से दौड़ रहे बेहिसाब ई रिक्शों को लेकर भी अब वर्क प्लान तैयार किया जाएगा। जिस तरह से सड़कों पर ई रिक्शा की संख्या बढ़ रही है, वे ट्रैफिक पुलिस के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। वर्तमान में 4 मार्गों पर ई रिक्शों को चलाने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा नाबालिग ई रिक्शा चालकों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता रहा है, लेकिन अब ई रिक्शों को लेकर ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ई रिक्शा का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा जाएगा, क्योंकि इन पर प्रभावी रूप से नियंत्रण से काफी जरूरी है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आने वाले समय में ई रिक्शों के परमिट तय करने के साथ ही इनके चालकों को वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। कलर कोडिंग के साथ रूट तय किए जाएंगे, जिससे कानपुर की सड़कों पर दौड़ रहे ई रिक्शा नियंत्रित रूप से चल सके। देखिए, स्टीयरिंग कमेटी के अंतर्गत हम लोग ये निर्णय लेने वाले हैं कि कैसे ई रिक्शा पर प्रभावी नियंत्रण हो, रेगुलेशन हो। ई रिक्शा एक मेनेस बनता हुआ जा रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है। ई रिक्शा के कहां से कहां परमिट हैं, वो क्या अपने परमिट एरिया में चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं इन ई रिक्शा को, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनके कलर कोडिंग होने चाहिए, उनके एरिया निस्तारण होने चाहिए, ताकि ई रिक्शाओं पर नियंत्रण और वो रेगुलेटेड वे में चलें, ये आवश्यक होगी। ये मेरे लगता है कि आने वाले समय पर हमें इस पर काम करना पड़ेगा। आसान काम नहीं है, बट हम लोग निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ इसके विषय में कार्रवाई करेंगे।